वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। रोमिना, आपसे एक सवाल पूछा था हमने। जी, पहली बात तो ये कि बड़ा आसान है कि जब हम कुछ नहीं करना चाहते तो हम जिम्मेदारी किसी और पे डाल देते हैं। बेशक कि स्टेट भी बहुत सारी चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल है, आई डू एग्री ऑन दिस, लेकिन स्टेट भी अपना काम करिए, लेकिन बहसीयत अदारा हम क्या करें ये भी सोचने की ज़रूरत है। देखिए, आप स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जो बच्चे हैं वो अपना आधे से ज़्यादा दिन कहाँ गुजारते हैं उन इदारों में? आपके पास क्या कैरियर, आप इतना इतना चार्ज करते हैं, क्या आपके पास काउंसलर्स की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है? साइकोलॉजिकली आप काउंसलिंग दे सकते हैं, और मेरे ख्याल में आप भी एक प्रोफेसर हैं, मैंने भी कभी पढ़ाया था, गो के आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस, लेकिन आई ऑल्सो नो दैट कि बच्चे को आप बहुत जल्द ऑब्जर्व कर सकता है एक टीचर, वो इस तरह से, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। अगर बच्चा खामोश है तो वो क्यों बहुत ज़्यादा खामोश है? बेसियत उस्ताद हमारी, ये हमें ये देखना चाहिए, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद आप ज़ीरो पीरियड्स या ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, एक्सरसाइजेस हैं जिनको किया जा सकता है और जिनसे बच्चों को वी कैन डाइवर्ट देम। अच्छा, ये तो हो गई ना कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन में आया है तो उसको कैसे हमने करना है डाइवर्ट, या उसको मोटिवेट कैसे करना है ऑन द राइट लाइन्स। बलूचिस्तान और सिंध में ये एविम साहब हमारे से अग्री करेंगे इस बात पे, बल्कि सर आपसे पहले जाना, सिक्योरिटी इशू बनता है वहाँ पे, और सिक्योरिटी इशू के बाद हम कहते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, लेकिन सिक्योरिटी इशू बनने की जो सबसे बेसिक वजह है वो एजुकेशन की वो कमी है, या एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं लेकिन बच्चे वहाँ पे स्किल्ड नहीं है, इस वजह से उनके अंदर मार्जिलाइजेशन वाला एलिमेंट पैदा हो जाता है, वो समझते हैं स्टेट हमारी परवाह नहीं कर रही। एक टाइम पर गलतियाँ हुई, फ्यूडल लॉर्ड्स और नवाबी सिस्टम और सरदारी सिस्टम ने सिंध को और बलूचिस्तान को इस हाल तक रखा, लेकिन अब वहाँ पे जब स्टेट के हवाले है सब कुछ, जब वहाँ पे बहुत हद तक फ्यूडल सिस्टम को हम कर सकते हैं साइड लाइन एजुकेशन के सिस्टम के थ्रू, तो अब क्या वजह है? क्योंकि फिर जब सिक्योरिटी इशू बनता है तो फिर हमारे बच्चे शहीद हो रहे होते हैं, उससे पहले वाली जो चीज़ है वो एजुकेशन के थ्रू क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? क्योंकि अभी तक एजुकेशन वहाँ पे अपने पाँव नहीं जमा पाई है। अब आप सर उसने खुद तो नहीं जमाने ना, ये नहीं ज़ाहिर है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सिंध में 73 में 44,000 स्कूल से, ठीक है, स्कूल्स थे, स्कूल रिटर्न थे, अच्छा ठीक है, इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे स्कूलों की तादाद 38,000 रह गई है। वो भी सिर्फ रजिस्टर है, ये नहीं पता उन्होंने बच्चे, 6,000 स्कूल फौत हो चुके हैं। अब बात कर रही थी आप तालीम की, ये डिक्लाइन जा रहा है, ये डिक्लाइन जा रहा है। अगर आप इस चीज़ की आपको रियलाइजेशन भी है कि तालीम या तालीम का ना होना पाकिस्तान का मसला नंबर एक है, हाँ जी, इवन सिक्योरिटी की रीजन भी वहीं से कहीं शुरू होती हैं। तो अगर ये हमारा मसला नंबर एक है, हम क्या अपने मसले नंबर एक को इस तरह से हल कर रहे हैं कि उसका जो हल है उसको मजीद कमजोर करते चले जा रहे हैं, और फिर हम गिला करते हैं कि जी हमारे यहाँ बच्चे शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ रही है, तालीम नहीं है, तो भाई तालीम कैसे होगी? अभी रुमीना ने कहा चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अभी रुमीना ये बेहतर बता पाएंगी कि वो जो बेहतर हो रही है तो वो कहते हैं 6,000 स्कूल जो है वो तो खत्म हो गए। आपने कहा कि सिंध में सबसे ज्यादा ये मसला है, तो हाँ उसकी वजह मैंने आपको बता दी। हाँ, मेरे सोच के मुताबिक उसकी वजह ये फिगर्स आपने जो बताया अभी। देखिए, एक तो जो मुझे कभी कभी ये भी महसूस होता है, अब आप देखें आफ्टर 18th अमेंडमेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने डिवॉल्व कर दिए, ठीक है। अब प्रोविंसेस जौन से हैं जहाँ पर बड़े बड़े नारे कई लोग लगाते हैं और बहुत बड़े बड़े नारे भी होते हैं जमहूरियत और इन चीज़ों के, मेरे ख्याल में आप उनको ये देखने की ज़रूरत है कि अगर ये इतना बड़ा डिक्लाइन, मैं तो समझती हूँ अगर एक स्कूल भी कम हो जाए तो ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है, तो ये तो 6,000 स्कूल्स हैं जिनकी ये बात करें, तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि प्रोविंसेस को जो है वो अपने तौर पर देखने की भी ज़रूरत है। और फिर उसके बाद जो फेडरेशन है वो उसको देखती है, उनको कैटर करती है कि अगर उनकी जहां पे उनकी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे नाउ दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, और यही 18th अमेंडमेंट में चाहते थे ना कि सूबे जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, उनके पास पावर आ जाए और ये हो जाए, तो जब अब वो पावर्स आ गई हैं तो फिर कहां पे मसला है? फिर यार उनके पास विल नहीं है या वो करना नहीं चाह रहे, तो ये चीजें जो सी हैं वो देखने की सूबों को भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर जो सा आता है वो सिविल
सोसाइटी और हम सबको मिलकर जो है वो आई थिंक वी शुड हैव टू बिल्ड अप द प्रेशर ऑन दैट एज वेल. अच्छा ठीक हो गया. ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी सर, ये जो 18th अमेंडमेंट की भी बात हो रही है उसमें एक चीज़ ये भी थी कि जो जितनी भी डाइवर्सिटी स्टेट के अंदर पाई जाती है, क्योंकि बहुत से डायस्पोराज जो हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं डिफरेंट, हम उसमें कास्ट सिस्टम भी कह सकते हैं, उसमें कल्चरल डिफरेंस भी कह सकते हैं, उसमें फिरके भी कह सकते हैं, इवन मज़हब भी कह सकते हैं, रिलीजन भी. तो वो जो डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी डेवलप करना, ये भी 18th अमेंडमेंट का एक कह सकते हैं कि शाखसाना है कि वो चाहते थे कि ये डाइवर्सिटी से एक यूनिटी डेवलप की जाए. किस हद तक कामयाब हुए हम इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से अभी उसकी इब्तदा है, अभी हमने बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी हैं और अभी शायद हम पहले कदम पर ही हैं. अच्छा, और इब्तदाई इश्क खैर होता है क्या? तो अब जब हमारे यहाँ इतने ज़्यादा तफरकात मौजूद हैं जिसकी लिस्ट आपने अभी गिना दी, इसमें जो मैं ये समझता हूँ जो बाइंडिंग फोर्स है ना, जो इन तफरकात को इकट्ठा करके इस डाइवर्सिटी को यूनिटी बना सकती है, वो तालीम है. इसको डेड इशू कहा जाता है. हमारे मीडिया वाले लोग कहते हैं कि जी दिस इज डेड इशू, यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट इट. रेटिंग नहीं आती ना. अभी अभी आप इशू उठाइए जिसके अंदर हिलेरियस बातें हों, तो दैट्स समथिंग लाइक. तो जब तक हम तालीम पे तवज्जो नहीं देंगे, न सिर्फ ये कि हम स्कूल बढ़ाएं, असातिज़ा रखें, हम अपना करिकुलम बेहतर करें और फिर बच्चों की अटेंडेंस को कंपलसरी करें या इंश्योर करें, उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ हम ये अपना मसला हल नहीं कर सकते. और अनफॉर्चुनेटली हम अभी सिंध की बात करें तो इवन पंजाब में भी तालीम का कोई इतना अच्छी बेहतर सूरत हाल नहीं है. अब 2013 में हमारा पंजाब का जो लिटरेसी रेट था वो 60% था. उस वक्त ये कहा गया कि 5 साल में इसको हम 80 पे ले जाएंगे, बड़ी खुशायन बात थी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी रिपोर्ट जिसका मैंने पहले जिक्र किया था उसके मुताबिक वो 60 से 58 पे आ चुका है. अच्छा सर, ये 58 भी वो हैं जो लिखना जानते हैं ना, मगर आप ग्रेजुएट्स की बात करें तो वो 38 से भी नीचे का लेवल तो है. तालीम की हम बातें तो यकीनन कर रहे हैं जो कि अच्छी बात है, कम से कम बात तो कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर अमल का नतीजा जो है वो आपके सामने है. सर पहले तो मेरे ख्याल हम बात भी नहीं करना चाहते थे. आई एम रियली सॉरी रोमिना, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी आई है ना, चाहे वो इवन की मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही आई हो, कोई भी गवर्नमेंट आई है, एजुकेशन उनके लिए लास्ट प्रायोरिटी रही थी. बहुत सी समरीज पॉलिसी है, अभी डॉक्टर नसरुल्ला कह रहे थे पॉलिसी बननी चाहिए, बड़ी पॉलिसियां जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स की टेबल पर रखी होती हैं एजुकेशन की, लेकिन वो सद खाने की नज़र हो जाती हैं. एजुकेशन सेक्रेटरी हमारे प्रोग्राम में और ये बता के गए. मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि मैं इस ना तो बहस करना चाहूँगी और ना मैं बहुत ज़्यादा इस पर, क्योंकि गलतियाँ बिल्कुल हैं और उनका उनको कोशिश भी किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे कमी है उनको पूरा किया जा सके. लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ जिसको हमें हमेशा जहन में रखना है, जो कि बहुत बड़ा मैं समझती हूँ हमारे माशरे की बदकिस्मती है, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारा मुल्क एक ऐसा है जहाँ पर हमेशा इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो है ना वो अर्जेंट चीज़ें कवर कर जाती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के कुछ होने जा रहा है तो या तो वो धरनों की नज़र हो जाएगा या हम और तरह के प्रेशर डालेंगे कि वो चीज़ें डाइवर्ट हो जाती हैं, वो टेंशन स्पैन वो मीडिया की भी उसमें कवरेज आ जाती है. मतलब जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं वो नहीं आते. लेकिन मैं ये आपको ज़रूर एडवाइस करूँगी कि नॉट एडवाइस, इट्स अ हम्बल सजेशन कि आप जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं आप उनके साथ किसी दिन ज़रूर प्रोग्राम करें, ताकि उसकी वजह यह है कि ताकि जो स्टेप्स लिए गए हैं या लिए जा रहे हैं वो फैक्ट, क्योंकि मेरे पास इस टाइम फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है और मैं बगैर उसके मैं कभी कोट नहीं करती, तो वो आपके सामने आए और चीज़ें नज़र आए कि कहाँ कहाँ पे क्या हुआ है. या इफ़ यू वॉन्ट तो आई कैन कम अप विद सम डेटा, परफेक्ट प्रॉपर डेटा, सो आई कैन पुट लाइट मोर ऑन दैट. लेकिन ये कहना कि इस वक्त में मैं फिर वही बात कहूँगी कि पिछले द्वार की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन एज अ क्योंकि मैं आई एम सिटिंग पार्लियामेंट, आई एम फ्रॉम फेडरेशन, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरे अपने जो हैं वो दो बिल्स हैं और दोनों ही एजुकेशन के ऊपर हैं, और अगर उसमें सपोर्ट भी है और उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि सपोर्ट है बल्कि इनफैक्ट हम लोगों ने उसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया हुआ, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, उन सब अदारों को हमने ऑन बोर्ड लेना शुरू कर दिया है. तो आई थिंक वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन नॉट से कि एक बंदा, इट इज मोर ओवर द विल एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. अच्छा रुमीना मरसद फोन लाइन पे इफ्तिखार अहमद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर सहाफी हैं, इनसे भी बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर हम डिस्कस कर रहे हैं, रुमीना खुर्शीद आलम हमारे साथ हैं, एवीएम इकरामुल्ला भट्टी हमारे साथ हैं, एजुकेशन तालीम. हम मीडिया वाले लोग शायद समझते हैं कि ये सबसे डेड इशू है डिस्कस करने के लिए, स्क्रीन पे इससे रेटिंग नहीं आती. सर ऐसा है? ये बात तो ठीक है, रेटिंग तो नहीं आती. अच्छा, रेटिंग तो आती है आप कुछ चार मेहमानों को बुलाए, उनको पहले शुरू करें और फिर उनको लड़ाना शुरू कर दें, पीछे हट के बैठ दें. अच्छा, और उसके बाद
प्रोग्राम खत्म हो जाए तो आप देखिएगा रेटिंग, आपको बताएंगे आपके मैनेजमेंट वाले जी कि आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था, ठीक है, और आपकी तनख्वाह में भी शायद इजाफा हो जाए। सर बहुत शुक्रिया, ये पहला आपने बहुत ऑनेस्ट आंसर दे दिया, और अगर किसी सहाफी की तरफ से ये आंसर आया तो ये बड़ी खुशाइन बात है, एटलीस्ट हम एक्सेप्ट करते हैं। सर एजुकेशन के बारे में, इकरा से दीन शुरू हुआ सर, और इसी से रियासत बनती है, यही वाहिद वेपन है जो आज सिक्योरिटी इशू को भी डील कर सकता है, अब भी हमें सर करना चाहिए कि नहीं इसको डील? देखिए पहली बात यह है कि जिस मुल्क में आपके पास तालीमी निज़ाम सिरे से हो ही ना और इसको फ्री फॉर ऑल कर दिया जाए, जिसके पास पैसा है वो इसमें आ जाए, ठीक है, मतलब आज तालीमी निज़ाम के नाम पर लोग बिलीनर हैं, बिलीनर्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब वो बिलीनर जो हैं वो तालीम के नाम पर ही आए तो वो तो अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो मेरा बच्चा है, जो मैं जिस जगह पे मैं आपसे बैठा भी टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे एक गरीब सी बस्ती है, वहां पे जो बच्चे निकरे पा के नंगे फिर रहे हैं, सही, उनको स्कूल में पहुंचाना रियासत ने लिखा था आइन में कि उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, और उसको 18वीं तरमीम में जो पढ़ी लिखी बातें आप करते हैं उसमें तो आपने यकीनी बना दिया कि लाजमी तौर पर है, ठीक हो। जब आप उसकी परवाह नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता आप किस तालीम की बात करते हैं। आप जो लोग ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जो पता नहीं कहाँ कहाँ से बर्कले वगैरह से पढ़ के आते हो और हमें बताते हो कि तालीम ना होने के ये नुकसान होते हैं, बड़े बड़े अच्छे थीसिस लिखे जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन होती हैं, उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक हो गया। मेरा ताल्लुक यह है कि जो स्कूल है मेरे मोहल्ले में प्राइमरी का स्कूल है उसमें आपको पता है टाट भी नहीं है, टाट, वहां पे टॉयलेट नहीं है। अगर बच्चे को बाथरूम में टॉयलेट इस्तेमाल करना नहीं हम सिखा सकते और उससे तवक्कु करते हैं वो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा शहरी बनेगा और वो पाकिस्तान में तब्दीली लाने के अमल में हिस्सा बनेगा, वो बतौर वोटर बिल्कुल सही डिसीजंस करेगा, ठीक है, तो हम क्या एम को भी जन्नत में फंसते हैं, ठीक है। सर ये कहते हैं कि जी वेपन तो तालीम ही है तमाम किस्म की सिक्योरिटी इशू को डील करने के लिए, ये बातें किताबी इसलिए लगती हैं क्योंकि जो बजट लगता है सर वो 2% है, आपका पीएम हाउस का जो सिर्फ चाय का खर्चा है सर दिन का या हफ्ते का एटलीस्ट 23 लाख रुपए बनता है सर, और जीएचक्यू का बजट है वो भी निकाल लें सर वो भी अच्छा खासा बन जाता है चाय पानी का, उसमें सर आपकी एजुकेशन जिसे आप वेपन कह देते हैं कि तमाम चीज़ों को डील करने का, उसकी तरफ सर नज़रसानी करना कोई गवारा नहीं करता है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि आपके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप इस इशू को डिस्कस ना करें क्योंकि ये डेड इशू है, हम भी कहते हैं सर, तो सर फिर किस तरह से हम डील करेंगे, ये तो हम जा ही गलत तरफ जा रहे हैं। देखिए अभी पीछे तो गालिबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी बात की कि सारे मुल्क में प्राइवेट स्कूलों में एक ही किस्म का यूनिफॉर्म होना चाहिए। जब मैं बच्चा था गरीब, अब तो मैं अमीर हो गया हूँ ना, काफी बन गया हूँ, मेरे पास बहुत कैसे पैसा आ गया है। मैं गांव से तल्लुक रखता हूँ, मेरे गांव में एक स्कूल था उसके चारदीवारी वगैरह कोई नहीं थे, ओपन स्कूल था, टीचर आता था बड़े नमाक्षर में पढ़ाता था, हम सब मलेशिया पहनते थे, अच्छा पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में मलेशिया पहना जाता था, सही है। आज आपने इतनी तकसीम कर दी है, देखें तालीम से मुराद क्या है, शऊर, अगर आप बाथरूम ही नहीं बच्चे को दे रहे, आप उसको पीने का पानी नहीं साफ दे रहे, आप उसको किताब ही नहीं दे रहे, आप उसको बैठने के लिए टाट नहीं दे रहे, सही है, तो उससे किस शऊर की तवक्को करके हम जिंदा रह रहे हैं, ठीक है। फिर वो बड़ा होके 500 रुपए में वोट क्यों ना बेचे, नहीं ये अभी भी बुरा इल्जाम है, आई डोंट लाइक इट, दिस इज वेरी, आप पढ़ लिखे लोग बहुत सिंपल ही कहते हो कि 500 में वोट बिक जाता है, सॉरी ज्यादा में बिकता है, नो आई एम सॉरी फॉर, ये अप्रोच ही आप लोगों की पढ़ लिखे लोगों की अभी लोगों की गलत है। अच्छा जिस बच्चे के पास शौर ही नहीं है आप 500 रुपए कह रहे हो, वो तो 5 रुपए में भी वोट भेज देगा, सही, बिल्कुल सही बात है। देखें शऊर जो है वो सिखाता है अपने हकूक के बारे में, सही बात है, और जहाँ पे ये जागीरदार हैं और जहाँ पे बड़े लोग हैं ये तालीम को आने ही नहीं देते, ये हकीकत है, कोई अफसाना नहीं लिख रहा मैं, ना अफसाना आपको सुना रहा हूँ, डेलिब्रेटली नहीं आने देते जी, बिल्कुल ठीक है। और सर हम जो स्क्रीन पे बैठे हैं सर, रोल ऑफ मीडिया बड़ी बात होती है इसके ऊपर, हमारा रोल ऑफ, हमने एक शुरू की थी अरफ वेब पे देखी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ हमने कोशिश की थी, सिर्फ एक मीडिया हाउस का काम नहीं है, ये सब मीडिया हाउसेस का काम है क्या पढ़ाए। और फिर मैं तो सिंपल एक बात कहता हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा होता हूँ मैं कहता हूँ 2 महीने की छुट्टियां हैं,
अब लाखों लोग जो पढ़े लिखे हैं, अगर अपने मोहल्ले के 10 बच्चों को उन 2 महीनों में अरब रुपए का कर्जा सिखा दे और ईबीसी सिखा दे, तो हम वो बुनियाद रख रहे हैं तब्दीली की, जो बहुत महंगी है, लेकिन हम जिस तरीके से रख सकते हैं वो बड़ा सस्ता है। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत क्या ये नामुमकिन, क्या ये नामुमकिन? बिल्कुल ठीक है सर, ये अपनी तरफ से आप कोशिश करके देख लेते हैं, इस डेड इशू को हम बार बार जिक्र करके देख लेते हैं, शायद वो नामुमकिन जो है वो मुमकिन होने लग जाए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ रहने के लिए। अच्छा वन लाइनर से रुबीना आपसे जानना है, क्योंकि मान लिया हम लोगों ने भी, इफ्तिखार साहब ने भी, कि कसूर है, हम इसको डेड इशू समझते हैं, हम समझते हैं कि रेटिंग नहीं आएगी इससे, तो क्या गवर्नमेंट भी समझती है कि इसकी समरी को पड़ा रहने दो सर्दखाने में, क्योंकि इससे कोई हमें वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि वोट लेना है तो फिर उसको पढ़ा दिया तो वोट नहीं मिलेगा? देखिए ऐसा नहीं है, मैं फिर यही बात कहूँगी, इसलिए नहीं कि मैं किसी को डिफेंड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, इस पर बार बार आवाज़ उठ रही है। और अब तो देखिए जब हम सब जानते हैं कि जब आवाज़ उठना शुरू हो जाती है तो उसका मतलब तब्दीली ज़रूर आ जाती है और कोई ना कोई इफेक्टिवनेस भी आ जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस्लामाबाद के ही पब्लिक स्कूल उठाकर देख लें तो उनके अंदर इन 4 सालों में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स आए हैं, और आप उनको खुद ज़ाती तौर पर मैं आपको कहूँगी कि आप जाके विज़िट करें, उनकी नर्सरीज़, प्री नर्सरीज़ और उनके करिकुलम में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है और उसको इंश्योर भी किया जा रहा है। अच्छा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हर चीज एक दिन में नहीं हो सकती, इट विल टेक टाइम, मोर देन इट इज मोर ओवर नीड द विलिंगनेस एज वेल, और ये तमाम तरफ से मिलकर ही काम होगा, किसी एक का काम नहीं है, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है एम साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमने एक्सेप्ट कर ली अपनी गलती, और किसको एक्सेप्ट करनी चाहिए? कि बात हो रही थी कि जिम्मेदारी किसकी है, अपने अपने हिस्से में सबकी है वैसे तो, लेकिन एंड रिजल्ट में सिक्योरिटी जो है वो मेन इशू बन जाता है और बात शुरू होती है बहुत डल इशू से, जिसे एजुकेशन के लोग नाम दे देते हैं। यकीनन देखिए सिक्योरिटी बुनियादी तौर पे स्टेट की जिम्मेदारी है, हर शहरी की जान और माल का तहफ्फुज़ स्टेट की जिम्मेदारी है, और अगर हम समझते हैं कि तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बेहतर बना के हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, उसके बावजूद हम उसकी तवज्जो नहीं दे रहे, तो ये मैं समझता हूँ हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। सही, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया रुमीना हमारे साथ रहने के लिए। तो बस एक बयाम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक बयाम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक बयाम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया, अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया के इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस जमीन पर लाए थे आसमां से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से, मुझको दिलाया कितना अच्छा। मौज़े तंग कहता है कि आपकी किताब में कुरान में एक बात लिखी हुई है कि जानने वाले और ना जानने वाले, इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। मैं हैरान हूँ कि आपने अपनी पॉलिसीज़ और इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए लोगों को जब उनकी सीटें दी तो ये बात नज़रअंदाज क्यों कर दी। यही वो बात थी जो मैंने इम्प्लीमेंट की चाइना में और चाइना को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। यकीन कीजिए जानने वाले और इल्म वाले और जो नहीं जानते बेइल्म वो बराबर नहीं हो सकते। आज शायद यही चीज़ देखने की ज़रूरत है क्योंकि हमने प्लेसमेंट गलत की हुई है, जानने वालों और ना जानने वालों को शायद उनकी प्लेसमेंट गलत की हुई है, इसीलिए शायद जैनब जैसे आसमा जैसे वाक़यात
होते हैं और उसके बाद हमें सिर्फ वही वाकयात नज़र आते हैं और कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि वाकयात करने वाले भी इल्म वाले नहीं हैं और उनको फैलाने वाले भी इल्म वाले नहीं हो सकते। कहते हैं मक्खी सिर्फ वहीं बैठती है जहाँ पे सबसे ख़राबी होती है, सबसे गंदी जगह बैठती है, उसे अच्छा कुछ नज़र नहीं आता। इस मुल्क में बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन देखने के लिए भी इल्म वाली आँख चाहिए। आज के प्रोग्राम हम देखते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।